देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था यानी एंगल का मान निकालना है। तो देखिए उस वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल का मान देख रहे थे उसमें प्लस था यानी कोस 765 डिग्री यानी वहाँ जो एंगल का मान था मैंने सिर्फ प्लस में निकलवाया था। लेकिन एग्जाम में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस से ही पूछेगा, माइनस से भी पूछ सकता है। तो अब इस वीडियो में समझेंगे कि यदि एंगल का मान माइनस में दे देता है यानी मान लीजिए कि कोस माइनस 765 डिग्री साइन माइनस 765 डिग्री ऐसे मान देता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे और इसके क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए आप फॉर्मूला रटे होंगे लेकिन आप यह वीडियो देखिए आपको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो सबसे पहले आप देखिए हमारा जो होता है वाई एक्सिस और यह हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। इसमें देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। यह सब तो मैंने कल आपको बता दिया था। फर्स्ट में क्या होता है ऑल होता है। ऑल कहने का मतलब है कि सिक्स जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह सब इसमें होते हैं। और जो सेकेंड में होता है हमारा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यही दो ठो होते हैं इसमें। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होता है टैन और कॉट, ठीक। और फोर्थ में क्या होता है कोस और सेक, ठीक है। तो यह तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था एक्स और वाई। अब देखिए यह अक्ष देखिए रोटेट कैसे करता है ऐसे यानी घड़ी के उल्टा दिशा में अक्ष घूमता है, देख रहे हैं ऐसे घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से घूमते घूमते इस पे पहुंचेगा तो देख रहे हैं कितना का कोण बनेगा 90 डिग्री 90। और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू भी लिख सकते हैं। यह बताऊंगा कि 90 को पाई बाई टू लिखेंगे और पाई का कहानी क्या होता है बस बताएंगे, बस कुछ यानी वीडियो हो जाने दीजिए उसके बाद बताऊंगा, पहले थोड़ा बेसिक बता लेने दीजिए। तो अब देखिए फिर 90 से यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 180 और 180 को हम लोग पाई लिखेंगे। अब देखिए 180 के बाद यहाँ 270 और 270 को लिखेंगे 3π/2। अब 270 से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री और 360 डिग्री को हम लोग 2π लिख देंगे। तो अब देखिए यही कहानी था लेकिन मैंने उसमें बताया था कि एंगल प्लस में रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो अब देखिए एंगल हम लोग को माइनस में समझना है कि माइनस में देगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इससे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा और फॉर्मूला यही आया ऐसे क्यों वह भी आपको समझाऊंगा। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बस आप फॉर्मूला अभी नोट करते रहिए, सब समझाऊंगा कि इसमें ही माइनस क्यों आया और किसमें प्लस आएगा सब बताऊंगा। तो अब देखिए दो नंबर में लिखिए कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। फोर्थ में कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा। पांच नंबर में लिखिए कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। सिक्स नंबर यानी सेक माइनस थीटा यानी सेक माइनस थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस में सेक थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा यानी साइन में यदि माइनस आता है तो हम लोग माइनस को सिर्फ बाहर लिख देंगे और साइन थीटा, और जिस तरह हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते थे उस तरह ही निकालेंगे। और कोसेक में माइनस होता है तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में माइनस है तो इसमें भी माइनस बाहर, कोट में भी माइनस बाहर और कोस देख रहे हैं यही दोनों में देखिए यही जो दो टू होते हैं इसी में यदि एंगल माइनस होता है तो हम लोग को बस प्लस में लिखकर सॉल्व करना है। तो आखिर यह ऐसा ही क्यों होता है देखिए मैंने देखिए क्या होता है कि एंगल जो होता है कैसे घूमता है यानी अक्ष कैसे घूमता है ऐसे। तो यदि आप उसी की दिशा में एंगल मापेंगे तो प्लस,
यदि उससे यानी उल्टा दिशा में चलेंगे तो एंगल क्या होगा माइनस में मापा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अक्ष कैसे घूमता है ऐसे, तो यदि आप यहाँ से इसी दिशा में एंगल मापेंगे तो हमारा एंगल प्लस में मापा जाएगा। यदि आप यहाँ से उल्टा दिशा यानी घूमता है ऐसे लेकिन आप मापेंगे ऐसे एंगल, तो आप जितना भी एंगल यानी मापेंगे वह सारा माइनस में काउंट होगा। तो यदि ऐसे चलेंगे तो प्लस और यदि आप ऐसे चलेंगे तो माइनस। तो आप देखिए जब यहाँ से आप उल्टा चलने का कोशिश किए तो किस में आप आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ में क्या होता है कॉस सेक, तो कॉस सेक मिल गया ना, तो जिसमें मिल जाता है उसका वैल्यू क्या होता है प्लस, और नहीं मिलता है तो उसका वैल्यू क्या होता है माइनस। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देख रहे हैं जब यहाँ से टर्निंग यानी घूमने की कोशिश करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ में क्या मिलेगा कॉस और सेक, तो कॉस सेक का मान इसीलिए प्लस में हो जाता है और बाकी जो चार बचते हैं उसका मान माइनस में आ जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल यानी कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा यह अच्छा फॉर्मूला है। तो अब चलते हैं इसे बनने वाले क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, यदि हम लोगों से पूछता है साइन माइनस 120 डिग्री का मान, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यदि साइन में माइनस आता है तो आप सिर्फ माइनस को बाहर कर दीजिए और एंगल ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो बस आप वैसे ही निकाल दीजिए। माइनस साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30 माइनस, और 90 को देखते ही साइन किस में चेंज होगा कॉस में, और एंगल कितना काम कर रहा है 30 हो गया। तो अब देखिए अब यह तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज बताया था कि यदि आप चेंज करते हैं तो यहाँ आगे प्लस या माइनस आता है, तो आप चेक कीजिए 90 यहाँ है, इसमें आप जोड़िएगा तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में क्या है हमारा साइन कोस है, और यहाँ भी क्या है साइन, तो हमारा वैल्यू यहाँ प्लस रहेगा लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस। तो देखिए कोस 30 का मान क्या होता है साइन 60 का होता है, तो माइनस रूट 3/2। तो देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया साइन माइनस 120 डिग्री का। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, लेकिन देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, कॉस 150 यानी कॉस माइनस 150 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यदि देखिए आप दो ठो ही याद रखिए, कॉस सेक यानी कॉस सेक में यदि एंगल माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में लिख देंगे, और कॉस सेक को छुड़ाकर जितने भी चार बचते हैं उसमें माइनस आता है तो हम लोग माइनस को बाहर निकाल देंगे और उसका हम लोग सोल्यूशन बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए तो इसमें माइनस लगा है तो आप इसको क्या लिख प्लस में लिख दीजिए, कॉस 150 कॉस 150 150 क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए 180 को देखते ही त्रिकोणमितीय फलन नहीं चेंज होता है यानी कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और एंगल कितना काम कर रहा है 30, तो आप यहाँ 30 लिख दीजिए, और आगे प्लस आएगा कि माइनस तो आप इसके अनुसार क्लियर कीजिएगा। 180 कहाँ पर है यहाँ पर, अब देखिए 180 में से कुछ घट रहा है तो देखिए 180 में कुछ जोड़िएगा तो आगे, और घटाइएगा तो पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा तो देख रहे हैं क्या मिलेगा साइन और कॉस एक, और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन कॉस एक नहीं है कॉस है, तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस। और देख रहे हैं कॉस 30 का मान कितना होता है साइन 60 का होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2। देख रहे हैं कितना आसानी से माइनस का भी निकल गया। तो आप इसी तरह जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका मान निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं यानी 360 के ऊपर, यानी 360 से ज़्यादा देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, यानी साइन माइनस 1110 डिग्री, इसका हम लोगों का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि साइन है, और साइन में यदि माइनस आता है तो माइनस कहाँ लिखा जाता है बाहर, तो आप माइनस लिख दीजिए बाहर, साइन 1100 कितना हो गया 10 डिग्री हो गया।
तो मैंने बोला था कि यदि आपको 360 के ऊपर मान कितना भी डिग्री का देगा तो आप उसको क्या कीजिएगा कि 360 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई ऐसे कीजिएगा इतने नंबर से कि बस आप इसके नज़दीक पहुंच जाइएगा और उसमें कुछ जोड़ या घटा कर आप इतना का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 360 में कितना से गुना करेंगे कि हम इसके नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो 3 से गुना करते हैं, 0 छतरी 18 की 8 से या 1 तिथि का 9 एक 10 1080। देख रहे हैं कि 1080 हमारा मान आया, यह इसके नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन 3 × 360। तो अब देख रहे हैं 1080 आया, लेकिन 1110 लाने के लिए हम लोगों को कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना कितना पड़ेगा, 30 जोड़ेंगे तो हमारा 1110 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी 30 जोड़ देंगे। अब देखिए, अब इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखने के बाद अब आप इस 3 को भूल जाइएगा। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ पर है, प्लस कीजिएगा तो और की वजह से इसका मान क्या आएगा, प्लस। तो साइन 360 है, 360 में साइन रह जाएगा, और एंगल कितना है 30, तो आप यहाँ पर 30 लिख दीजिए। माइनस और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया। ऐसे ही आप बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। कॉस नहीं, मान लीजिए मैं लेता हूँ टेन, ठीक है, टेन मान लीजिए मैं 1830 डिग्री लेता हूँ, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए टेन में माइनस लगा है, तो आप माइनस कहाँ लिख देंगे, बाहर, टेन 1830 हो गया। तो अब देखिए माइनस टेन 1830 को मैंने क्या बोला कि आप यहाँ 360 लिखेंगे और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि बस आप इसके नज़दीक पहुँच जाइएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 कितना जाएगा 1800, यानी 5 के लिए गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 1800, और 30 लाने के लिए हम लोग 30 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए 1830 को हम लोग इतना मैंने लिख दिया। अब इतना करने के बाद आप इस नंबर को भूल जाइएगा, माइनस टेन 360 है, 360 में टेन नहीं बदलता तो टेन ही मैंने लिख दिया। तो अब देखिए 360 प्लस थीटा, और यानी 6 इसमें रहते हैं, जो थीटा यहाँ पर रहता है आप लिख दीजिए, टेन 360 प्लस थीटा, टेन थीटा हो गया। तो अब देखिए माइनस और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया। तो मैंने इस वीडियो में आपको मान निकालने के लिए बता दिया, अब आपसे एंगल में ऐसे ही मान पूछेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।